हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, रख हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इस नए साल में भगवान आपकी सभी मुरादें पूरी करे और आपके झोली में ढेर सारी खुशियों का भंडार भर दे। दोस्तों, इन दुआओं के साथ नए वर्ष 2022 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नए साल को नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। दोस्तों, ए पी जे अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियां इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जो आपके लाइफ के लिए हर पल हर क्षण मोटिवेट करके रखती है। उनका कहना था दोस्तों कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का अंदाज उठाने के लिए ये जरूरी है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वही होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देती। दोस्तों, उनका कहना है कि हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलें, कि मैं सबसे अच्छा हूं, कि मैं यह कर सकता हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मैं एक विजेता हूं, आज का दिन मेरा दिन है। ये बात दोस्तों आप इस नए साल से हर सुबह बोलिए, जिससे आप में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, आप में हीन भावना नहीं होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ दिन भर कार्य करेंगे। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां जो हैं हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। दोस्तों, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाता है। दोस्तों, लास्ट में यही कहेंगे, यदि आप अपनी ड्यूटी को सल्यूट करोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सल्यूट करना होगा। दोस्तों, इसी बाणी के साथ मैं अपने बाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।